आइए अगले सवाल पे चलते हैं। फॉर 2 ईयर्स ए सम वॉज पुट एट ए एस आई एट सर्टन रेट। इफ़ द रेट वॉज 3% हाईअर इट वुड हैव फेच्ड ₹300। वॉट विल बी द सम? 5,000, 4,800, 2,500, 4,484। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 2 साल के लिए एक सम को सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया। ठीक है, 2 साल के लिए एक सम को मीन्स एक अमाउंट, कुछ अमाउंट थी, कुछ रुपये को सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ रेट पे दिया गया। ठीक है, अगर वही रेट, ठीक है, जो रेट था पहले वही से रेट को 3% हायर किया गया होता तो उससे ₹300 और मिलते। ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था उस पर उसको ₹300 और मिलते। तो यहाँ पे हमें बताने कितना अमाउंट जमा किया गया है। ठीक है, कितना अमाउंट है जो जमा कर लिया है, जिसको अगर आप 3% पे जमा करेंगे तो ₹300 आपको ज़्यादा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि सिंपल इंटरेस्ट का आपको डिफरेंस दे दिया गया 300 और आपको उसको फॉर्मूला में अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, जबकि रेट आपका 3% ज़्यादा है, माइनस जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आर परसेंटेज पे है इज इक्वल टू 300 के बराबर है। ठीक है, जो कि आपका सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ही बोल रहा है, इसका और इसका अंतर है 300। ठीक है, तो एस आई टू हमारा क्या है, पी आर टी अपॉन 100 माइनस पी आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 300, दोनों का डिफरेंस बोल रहा है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है, ₹300, एक का ज़्यादा है जिसका रेट ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहले रेट हमारा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्रिंसिपल तो हमें पता करना है कि कितना प्रिंसिपल है ना। यहाँ पे रेट हमें बताया गया है, इसमें क्या है, आर प्लस थ्री। ठीक है, क्योंकि हमारा ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा आर है तो ये कितना बोल रहा है, 3% हाइयर माइनस नॉर्मल रेट। ठीक है, तो आर प्लस थ्री हमारे यहाँ पे रेट है, इनटू टाइम पीरियड कितना हमें दिया गया, 2 ईयर्स का। ठीक है, टाइम पीरियड दोनों में सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, बस रेट का अंतर है। तो आर प्लस थ्री पहले के सेकंड केस में जो रेट बढ़ा हुआ है, आर प्लस थ्री माइनस नॉर्मल रेट पे पी आर टी का सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 300। ठीक है, बस ये यहाँ पे आपको इतना ही लिखना है, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे फटाफट तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, 100 को एलसीएम लेके दूसरी तरफ कर दीजिए तो आपका 30,000 दूसरी तरफ हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2PR प्लस 6P माइनस 2PR। ठीक है, तो 2PR से 2PR कैंसिल हो जाएंगे, 6P इज इक्वल टू 30,000 हो जाएगा। तो 6P इज इक्वल टू आपके पास कितना बच जाएगा, 5,000। ठीक है, P इज इक्वल टू 5,000 ऑप्शन ए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको देखिए जो भी बढ़ा हुआ रेट है वो पहले लिखना है माइनस छोटा रेट। ठीक है, जो पहले रेट था, क्योंकि रेट बढ़ा है तो तभी डिफरेंस आपका आएगा, नहीं तो आपका नेगेटिव में आंसर आएगा ना अगर आप इस रेट से माइनस करेंगे, अगर पी आर टू माइनस आर प्लस थ्री वाला करते हैं। ठीक है, तो जो बड़ा रेट वाला सिंपल इंटरेस्ट है माइनस छोटे रेट वाला सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 300। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।